सो फाइनली गाइस हम लोगों के पास आ चुका है आईफोन 13 इस ऑफर का, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटली क्लियर करने वाला हूँ क्या आप आईफोन 13 को 2024 में परचेस कर सकते हो। फॉर गेमिंग हो गया, हार्डकोर गेमिंग हो गया, कॉम्पिटेटिव लेवल की गेमिंग करना है उसके लिए परचेस कर सकते हो, फेस कैम वीडियो शूट करना चाहते हो उसके लिए परचेस कर सकते हो, या ब्लॉगिंग वीडियो वगैरह बना सकते हो। कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है, आईफोन 14 या 13 इन या 14 प्लस, कौन सा आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और उसके साथ ही साथ गाइस मैं इस वीडियो में आप लोगों को मेरा खुद का यूजर एक्सपीरियंस देने वाला हूं। मैंने आईफोन 14 भी यूज किया है और उसके साथ साथ 13 भी यूज किया है, कौन सा मेरे को बेटर लगा है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है आप लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म में तो चलना है ना, कौन से डिवाइस में पैसा आप लगाओ तो भाई वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट लाके दे, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो गाइस बिना कुछ देरी के जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ तो इस पे वही BGMI पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम भाई 60 FPS सपोर्ट करता है नहीं। बाकी अगर मैं बात करूँ गाइज तो गाइज बहुत सारे बंदे 14 प्लस और 12 का डाउट लेके बैठा है, ठीक है 12 ले या 14 प्लस ले। मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, 14 प्लस लेने से बेटर है आप आईफोन 13 प्रो को क्यों नहीं चूज कर रहे हो भाई। आईफोन 13 प्रो उसके मामले में बहुत ज्यादा एडवांटेज लाके देगा, अगर कैमरा की बात करो एंड डिस्प्ले तो है ही, सब मामले में आईफोन 13 प्रो जो है अच्छी तरीके से बीट कर देता है 14 प्लस को। और गाइस मैं अगर आपको 12 की बात करूँ ना तो गाइस 12 ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि मत लो या ना लो, वो आपकी मर्जी है, बट हाँ अगर आप 12 खरीदते हो 4-5 साल लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो थोड़ा सा आप बैकफुट में जा सकते हो, क्योंकि भाई 12 जो है थोड़ा सा आपको डिस्प्ले वगैरह छोटा मिल जाता है उधर, थोड़ा सा परफॉर्मेंस में भी तो एकदम मिनिमम जो है आप डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी है। अभी भी बहुत सारे बंदे आईफोन XR पे भी धड़ाका करते हैं, अभी मेनली बात करते हैं 13 के बारे में। तो गाइस अगर मैं आईफोन 13 का डिस्प्ले का बारे में बात करूं तो भाई आईफोन 13 में जो भी डिस्प्ले मिलता है ना वही डिस्प्ले आपको 14 में भी मिलता है, एकदम सेम डिस्प्ले है, डिजाइन भी सब लोगों को बताया आप लोगों को डिजाइन भी सेम ही है, का कैमरा वो भी सेम है, जो डिफरेंस आ जाता है वो है बैटरी और बैटरी बैकअप पे। बैटरी बैकअप आईफोन 13 का इतना भी कुछ खराब नहीं है कि आप यूज नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। अगर आप थोड़ा सा मेंटेन करके चलो ना तो आराम से आईफोन 13 को आप दिन दहाड़े यूज कर सकते हो, गेम भी बहुत गंदा इस पे खेल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी की वजह से आप बैकफुट पे आओगे एंड आपको जो है 14 चूज करना पड़े कभी भी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो भाई बहुत बंदे बोल रहे हैं कि 14 में बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है, 13 में नहीं है। तो गाइस अगर मैं ऑफर की बात करूं, ऑफर में आईफोन 13 जिस प्राइस रेंज में आता है ना वो बेस्ट है भाई, उस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं आता है जो इस तरीके का परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाल के आपको दे देगा। अगर मैं बात करूं इसी में 14 की, 14 13 से थोड़ा ज्यादा महंगा आता है, जहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ एकदम लगेगा आपको इक्वल लेवल पे परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव गेमिंग की, आप टूर्नामेंट वगैरह खेल रहे हो वहाँ पे भी आपको 60 FPS मिलेगा, लास्ट जोन पे 13 प्रो 15 प्रो 14 प्रो हर डिवाइस हग देता है, वहाँ पे आपका डिवाइस भी हगेगा, वो 14 भी हगेगा और 13 भी हगेगा, ये सबको बताया कि भाई गेमिंग के मामले में एंड हार्डकोर गेमिंग के मामले में 13 या 14 बताओ वो दोनों सेम वर्क करके देगा आप लोगों को। वहाँ पे 14 में थोड़ा सा ज्यादा आपको प्राइस रेंज देना पड़ेगा, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप चाहते हो कि हाँ थोड़ा सा ज्यादा मेरा खर्चा हो तो आप 14 15 जो मर्जी ले सकते हो, बाकी अगर आपका बजट टाइट है भाई एकदम तगड़ा चीज खरीदना चाहते हो तो भाई 13 ले लो, एकदम गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। तो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं आईफोन 13 की यूजर एक्सपीरियंस के बारे में और मेरे खुद के ओपिनियन के बारे में। तो गाइस मैंने आईफोन 14 भी इसके पहले यूज कर रखा था, आई बटन पे वीडियो दे दूंगा आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मेरा एक्सपीरियंस बताओ ना, मैं बोलूंगा 13 क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पे लगा कि भाई 13 मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, सिर्फ गेमिंग के मामले में नहीं और कैमरा के मामले में नहीं, गाइस ओवरऑल टास्क जो है ना वो डे टू डे टास्क को एकदम अच्छी तरीके से भाई करके दे रहा था 13 एज कम्पेयर टू 14। बट हाँ एकदम सिमिलर है, ऐसा कुछ डिफरेंस वगैरह नहीं था, मेरे को 13 में ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू 14। एंड गाइस अगर मैं 14 प्लस और 13 प्रो का बात करता था तो 13 प्रो का वीडियो चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जल्दी से जल्दी प्रेस करना है, ठीक है। और 14 प्लस का भी आने वाला है, डोंट वरी। अभी बात करते हैं भाई इसका कैमरे के बारे में, ठीक है। आप ब्लॉगिंग वीडियो करना चाहते हो या कोई भी स्टूडियो सेटअप के अंदर आप जो है अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उस वहां पे वीडियो वगैरह करना चाहते हो, ये फोन वहां पे भी माहिर है। 13 जो है आपको वो वाला परफॉर्मेंस भी निकाल के देगा, मतलब आप सोच रहे हो कि कैमरा वगैरह अभी परचेस नहीं कर सकते, मैं कैमरा के बदले में इसको यूज करूंगा, तो भी आप इस फोन को इजीली खरीद सकते हो, कैमरा के बदले में यूज वगैरह कर सकते हो। इवन मैं खुद सोच रहा था कि भाई मेरे
को चाहिए एक अच्छा खासा फोन तो 13 ही क्यों ना हो। तो इसीलिए भाई 13 मेरा खुद का ओपिनियन में दे रहा हूँ। बाकी गाइस अभी अगर बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस की, 13 में बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल जाएगा, इतना गारंटी ले लो आप लोग। आप लोगों को जो है कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना है, टूर्नामेंट वगैरह खेलना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना आप लोग, एकदम 4-5 साल के लिए सोच रहे हो, इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो 4-5 साल के लिए कर रहे हो, आप 13 को इजिली परचेस कर सकते हो। भाई बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि लैग हो जाएगा आईफोन XR पे, बहुत सारे बंदे गेम खेलते हैं, मेरे खुद के कुछ देखे हुए फ्रेंड भी आईफोन XR पे गेम खेलते हैं अभी भी। तो उसकी बात करें तो वहां पे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस उन लोगों को मिल जाता है। बट हाँ, मेरे को पता है गेमर्स लोग थोड़ा सा फोन को मेंटेन वगैरह कर लेते हैं, तो आप भी अगर मेंटेन वगैरह करके चलते हो तो आराम से आप इस पे अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो 4-5 साल तक। अभी तो क्या ही चल रहा है, 2024 चल लाइक आने वाला है, तो आप आराम से 4-5 साल गेमिंग कर लोगे इसे। तो अभी मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ इसके कैमरा और ब्लॉगिंग के बारे में। बहुत सारे बंदे आए थे कि मेरे को कमेंट करते कि भाई ब्लॉगिंग करना है मेरे को, भाई इसके लिए एक्सन कैमरा ले या डेडिकेटेड कैमरा ले या क्या ही ले। तो भाई आईफोन 13 तब भी आप परचेस कर सकते हो, इसको लेके आप ब्लॉगिंग वीडियो भी कर सकते हो, शूट वगैरह कर सकते हो। हाँ, 14 में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएगा, एक्सन कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा उधर आपको, वो एक एडवांटेज 14 लेके जाता है। बट एक बात मानो तो इस पे भी 4K और 60 FPS का स्टेबिलाईजेशन कुछ खराब नहीं है, आराम से आपको एकदम मस्त वाला एक्सपीरियंस निकाल के दे देगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या चाहिए, एक बजट में ऐसा फोन जो कि भाई एकदम कैमरा के तरह क्वालिटी वाइज वीडियो शूट कर ले, वीडियो एडिट भी उसमें मस्त हो जाए, और उससे मैं वीडियो को अपलोड भी कर लूं और डे टू डे टास्क भी कर लूं, एंड उसके साथ साथ गेम भी उसमें मक्खन चल जाए। तो भाई और कुछ चाहिए, इससे बढ़िया डील और कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। तो आराम से आप इसको परचेस कर सकते हो। और बहुत सारे बंदे क्या बोल रहे थे कि भाई इस पे कुछ डिस्प्ले पे ब्राइटनेस ड्रॉप वगैरह, उसका अलग रीजन है, उसके ऊपर मैं अगर बात करने गया डिटेल में तो वीडियो लिटरली बोल रहा हूँ बहुत लंबा हो जाएगा, और इस वीडियो को मैं उतना लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। और गाइस अगर मैं मेरा फाइनल कंक्लूजन दूं, अगर आपके पास बजट टाइट है तो आराम से आप 13 ले सकते हो, और इसको 4-5 साल आप आंख बंद करके चला सकते हो। आपके पास बजट की कोई कमियां नहीं है तो 13-14 कुछ भी ले लो आप, वो आपकी मर्जी है, बट मेरा मर्जी भाई मैं 13 लूंगा, मेरे को 13 अच्छा लगा इसीलिए। तो गाइस कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइट बजट है, एकदम मिनिमम बजट के अंदर आपको सारी चीजें करना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको सही चाहिए, तो आप आईफोन 13 के तरफ आराम से जा सकते हो। अगर आपको भाई थोड़ा सा और ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, मतलब आईफोन 13 को लेके आप 4-5 साल तो आराम से चला लोगे, बट अगर आपको थोड़ा सा और कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा ज्यादा है तो आप 14 के तरफ भी जा सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बाकी गाइस मैंने फेसबुक पेज ओपन किया है, तो गाइस इस फेसबुक पेज को जो है आप लोगों को फॉलो कर लेना है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर और कुछ डाउट रह जाता है आप लोगों का तो प्लीज यार कमेंट वगैरह कर देना, मैं कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, या तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो वगैरह चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो ला देंगे। एंड सेकंड चीज गाइस, भाई हम लोग की जो फैमिली है वो 10,000 फैमिली होने वाली है, तो क्या कर रहे हो जल्द से जल्दी भाई सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। एंड अगर भाई आप लोगों को लगता है कि हाँ वीडियो में लिटरली दम है तो भाई जाओ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर गाइस।